कभी 30 रुपए देकर इसी किराए के मकान में रहते थे कोविंद। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद कानपुर को एक साथ दो गौरव मिल गया है। यहाँ के DAVPG कॉलेज में 1946 में अटल बिहारी वाजपेयी भी MA की पढ़ाई कर चुके हैं। बाद में वे देश के प्रधानमंत्री बने। रामनाथ कोविंद भी यहाँ से BCOM की डिग्री हासिल कर चुके हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म UP के कानपुर देहात की तहसील डेरापुर के एक छोटे से गांव परोंक में हुआ था। उनको जानने वाले बताते हैं कि 1993 में कानपुर आए थे और कल्याणपुर इलाके के न्यू आजाद नगर में डॉक्टर आदित्य नारायण दीक्षित के घर में दो कमरों में किराए पर रहते थे। डॉक्टर आदित्य कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और दो कमरों के किराए के रूप में 30 रुपए देते थे। देश के होने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां के दो कमरों में 2005 तक यहां रहे हैं। इसके बाद कभी कभार ही उनका परिवार यहां आता था। किराए के मकान में 12 साल रहने के बाद रामनाथ कोविंद ने कल्याणपुर इलाके में इंदिरा नगर के दयानंद विहार में अपना मकान बनवा लिया और वहां शिफ्ट हो गए। समय के साथ रामनाथ कोविंद राजनीति और कामकाज में मशगूल होते गए और उन्हें दिल्ली में ही ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता था, लेकिन कानपुर के लोगों के दिलों में उनकी अमिट छाप आज भी देखी जा सकती है। अपनी सादगी के लिए मशहूर रामनाथ कोविंद ने अपने कानपुर वाले मकान को बारातशाला के रूप में दान कर दिया था। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके भतीजे पंकज की झींझक बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। कानपुर देहात परोक गांव में कोविंद अपना पैतृक मकान बारातशाला के रूप में दान कर चुके हैं। बड़े भाई प्यारे लाल व स्वर्गीय शिव बालक राम है। रामनाथ कोविंद इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ महामंत्री रह चुके हैं। अगस्त 2015 में बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी उनके नाम की घोषणा अचानक ही हुई थी। कोविंद लगातार 12 वर्षों तक राज्यसभा सांसद रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, BJP दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1986 में दलित वर्ग के कानूनी सहायता ब्यूरो के महामंत्री भी रह चुके हैं। आइए इस परीक्षा में तीसरे प्रयास में मिली थी सफलता। रामनाथ कोविंद की प्रारंभिक शिक्षा सेंदलपुर ब्लॉक के ग्राम खानपुर परिषदीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय हुई। कानपुर नगर के BNISD से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद DAV कॉलेज से BCOM और DAV लॉ कॉलेज से विधि स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली में रहकर IAS की परीक्षा तीसरे प्रयास में पास की। मुख्य सेवा के बजाय एलाइड सेवा में चयन होने पर नौकरी ठुकरा दी। रामनाथ गोविंद एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके भतीजे पंकज की कानपुर देहात झींझक के पास कपड़ों की दुकान है। जून 1975 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनने पर वे वित्त मंत्री मुरारजी देसाई के निजी सचिव रहे थे। जनता पार्टी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर काउंसलर के पद पर कार्य किया। बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के दोस्त पेशे से किसान विजयपाल सिंह, जिनकी उम्र इस समय करीब 71 साल है। उन्होंने रामनाथ के साथ बचपन में बिताई कुछ किस्से सुनाए। विजयपाल के मुताबिक वे कानपुर देहात के गांव परोंक में अपने परिवार के साथ रहते हैं। विजय अब अपने दोस्त से दिल्ली जाकर मिलने की इच्छा जता रहे हैं। कोविंद और विजयपाल का घर परोंक गांव में अगल बगल ही है। कक्षा 1 से 5 तक दोनों साथ में पढ़े।